हेलो बच्चों, हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और आई मस्ट से फिनिश समाप्ति ऑफ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि मैम लास्ट पोर्शन कंप्लीटेड नहीं है, विच इज योर जॉइंट्स and the disorders of the chapter. तो मेरे बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। Today we are going to finish the joints and the remaining disorders of the chapter. And आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि हमने skull बनाया हुआ है and also we have made the human skeletal system. So we are going to discuss actually the different joints. ठीक है, ये वाला तो बहुत सारे बच्चों ने अपने schools में देखा ही होगा, labs वगैरह में ये बहुत दिखता था ना skull, जिससे कि तुम लोग खेला करते थे, हम भी खेला करते थे। ठीक है, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो क्योंकि टच में नहीं हो चैप्टर के, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हमारी बोन्स का क्लासिफिकेशन क्या है ना, कितनी बोन्स थी और कहाँ कहाँ पे कौन सी बोन्स थी, थोड़ा सा क्विक रिविजन। ठीक है, टोटल बॉडी में 206 हड्डियां होती है। ये किसी पांचवी कक्षा के बच्चे से पूछ लोगे तो उससे भी पता होगा, तो तुम्हें तो डेफिनेटली पता होगा कि 206 बोन्स है हमारी बॉडी में। लेकिन ये जो एंडोस्केलेटन है, इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एक जो आपके सेंट्रल एक्सिस पे है जिसे बोलते हैं एट्रियल स्केलेटन, और एक जो साइड्स में है जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, वापस से इसी डायग्राम में अगर आओ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो सेंटर से है इसे बोला एट्रियल स्केलेटन, और ये जो आपको हाथ दिख रहे हैं और ये जो आपको टांगे दिख रही हैं साइड से, ये होती हैं आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दो पार्ट्स में आपका एंडोस्केलेटन डिवाइडेड है, एट्रियल स्केलेटन जिसमें कि आपका स्कल आता है, और स्कल में आपकी क्रेनियल बोन्स आती हैं, फेशियल बोन्स आती हैं, फिर आपका एट्रियल स्केलेटन में रिब्स आते हैं, स्टर्नम आती है, फिर आपकी वर्टिब्रल कॉलम आती है। टोटल एट्रियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आपने पढ़ी है बेटा? 80 बोन्स। ठीक, तो 80 बोन्स अगर एट्रियल स्केलेटन में है तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हो जाएंगी? 126 बोन्स। एंड दीज 126 बोन्स आर एक्चुअली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है आपकी लिंब बोन्स, जहां आपने पढ़ा होगा कि आपके पास चार लिम्स हैं, दो फोर लिम्स और दो हाइंड लिम्स, टोटल फोर, और हर एक लिम्ब में 30 बोन्स हैं, तो 30 × 4 120 लिम्ब बोन्स होंगे ये आपके पास। बाकी 6 बची हुई हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन की कौन सी हैं? ये होगी आपकी गर्डल बोन्स, यहाँ पेक्टोरल गर्डल और हिप एरिया में पेल्विक गर्डल, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये कॉलर बोन्स हैं जिन्हें ब्यूटी बोन्स भी बोला जाता है, और ये ट्रायंगुलर शेप बोन जिसे स्कैप्यूला बोलते हैं, जिससे आपकी ह्यूमरस अटैच्ड है। तो ये जो बोन है, ये हो गई आपकी दो पेक्टोरल बोन्स ऑन दी वन साइड, स्कैप्यूला एंड क्लैविकल, और इसी तरीके से इस साइड पे भी क्लैविकल एंड स्कैप्यूला, टोटल 4 पेक्टोरल गर्डल बोन्स, दोनों हाफ अलग होते हैं। फिर पेल्विक गर्डल में भी आपके पास टोटल 2 बोन्स हैं, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स, पेल्विक गर्डल में टोटल 2 बोन्स। वन साइड की बोन को बोला कॉक्सल बोन, और वो कॉक्सल बोन बनी होती है 3 बोन्स के फ्यूजन से। आई एम वेरी श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली पार्ट, इलियम इशियम प्यूबिस, जो कि एक साइड का कॉक्सल बोन बनाती है, और इलियम इशियम प्यूबिस दूसरे साइड का कॉक्सल बोन बनाती हैं, और दोनों कॉक्सल बोन आपस में आगे से फ्यूज होती हैं, वेंट्रल साइड से फ्यूज होती हैं, जिसका जॉइंट हमें आज पढ़ना है, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। ठीक, मैंने तुम्हें थोड़ा सा बेटा बोन्स का आइडिया दे दिया। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू कैन ऑल्सो डू कि तुम वो वाला लेक्चर उठाओ, इससे पहले वाले बोन्स वाला एक बार फटाफट से एनसीईआरटी से पढ़ लो, और लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट, बोन्स पार्ट, इज एक्सक्लूसिवली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक, एक्सक्लूसिवली, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी की हड्डियां पढ़ लो और फिर जॉइंट्स पढ़ने आओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और डायग्राम से ही बहुत सारी चीजें तो आज आपको जॉइंट्स में समझ आ जाएंगी। जितनी वो मूवमेंट्स हम करते हैं, यस मैम, नो मैम, ये हाथों वाली मूवमेंट, ये हाथों वाली मूवमेंट, ये शोल्डर वाली मूवमेंट, ये हिप जॉइंट वाली मूवमेंट, टांगों की मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं, इट इज बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक, अगर हम जॉइंट्स को बेसिकली क्लासीफाई करना चाहें तो हम इसको बेटा 3 कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं। इसको कितने कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं? इन 3 कैटेगरीज। व्हाट आर दी 3 कैटेगरीज इन विच वी कैन स्टडी दी जॉइंट्स? नंबर 1 कैटेगरी इज कॉल्ड एज ऐसी जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव ही नहीं करती।
बिल्कुल मूव नहीं करेंगी बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स, क्योंकि बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं। उसी का दूसरा नाम होता है, उसी का दूसरा नाम होता है सिन आर्थरोज। और देखो टर्म से ही बहुत को समझ आ जाएगा, सिन आर्थरोज, या फिर इसी को बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक, ये नंबर वन, ये तो नाम बताया, ठीक है, नाम काफी नहीं है, मतलब भी जानना है। फिक्स जॉइंट्स के बाद आ जाती है ऐसी जॉइंट्स जो थोड़ी थोड़ी मूव कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। क्या बोला जाता है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है एम्फी आर्थरोज। क्या बोला? एम्फी आर्थरोज, या फिर इसी का तीसरा नाम होता है, जगह ही नहीं बची यार नाम लिखने में, इसी का तीसरा नाम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। क्या नाम होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक, और जो तीसरे टाइप का जॉइंट्स होता है जिसमें दिखती है सबसे ज्यादा मूवमेंट, इसको बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट्स, जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखती है, या फिर इन्हें बोला जाता है डाईआर्थरोज, या फिर इन्हें बोला जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखती है। देखो नाम से ही तो बेसिक मतलब समझ में आ गया, लीस्ट मूवमेंट, नो मूवमेंट, बिल्कुल फिक्स्ड, थोड़ी सी मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट्स, मैक्सिमम मूवमेंट, ये तो नाम से ही समझ में आ गया आपको कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि, देखो डायग्राम से समझना, ठीक, अगर मैं बोल रही हूं फिक्स्ड जॉइंट्स या सिन आर्थरोज जॉइंट्स, सिन का मतलब होता है फ्यूज, आर्थरोज का मतलब हो गया जॉइंट्स, अगर हम किसी भी जॉइंट्स को बोल रहे हैं फिक्स्ड जॉइंट या सिन आर्थरोज जॉइंट्स, तो वो ऐसी जॉइंट्स होती हैं जहां दो बोन्स के बीच में, देखो डायग्राम से बनाना है, जहां दो बोन्स के बीच में आपको ऐसे फाइबर्स दिखते हैं। ठीक है, दीज आर व्हाट? दीज आर दी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो आपको दो बोन्स के बीच में जब ऐसे फाइबर्स की हेल्प से दिखेगा जॉइंट, तो उस जॉइंट्स को हम बोलेंगे फिक्स जॉइंट्स या सिन आर्थरोज जॉइंट्स, या फिर इमूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते। कैसे होते हैं बेटा? इमूवेबल जॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं करते। एग्जाम्पल्स देखोगे अगर इमूवेबल जॉइंट्स की, तो स्कल में, देखो स्कल में अगर आप क्रेनियल बोन्स को देखो, तो क्रेनियल बोन्स कैसी दिखती है बेटा? इस तरीके से दिखती है ना, ये एक क्रेनियल बोन, ये दूसरी क्रेनियल बोन। सबने अगर स्कल को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा, तो इस तरीके से क्रेनियल बोन्स आपस में सारी फ्यूज्ड दिखती है ना, आपकी जो स्कल वाली बोन्स है ना, ये जो फ्यूजन दिखता है दो बोन्स के बीच में, अगर ऐसे मारोगे तो एक हड्डी खिसक जाती है कि अपने पोजीशन से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दो बोन्स आपकी क्रेनियम की आपस में जुड़ी होती है फाइबर्स की हेल्प से, जो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वो जो फाइबर्स की हेल्प से जुड़ी हुई हैं ये दो आपकी क्रेनियल बोन्स, इन्हें क्या बोला? सूचर्स ऑफ द स्कल, इसे क्या बोला? सूचर्स ऑफ स्कल। तो ये सूचर्स ऑफ द स्कल हैं, जो बाउंड्रीज दिखती हैं, ये है फिक्स्ड जॉइंट्स या फाइब्रस जॉइंट्स, क्योंकि दो बोन्स आपस में फाइबर्स की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, किससे जुड़ी हुई हैं? फाइबर्स की हेल्प से जुड़ी हुई हैं। इमूवेबल जॉइंट्स बिल्कुल मूव नहीं करती। Not only sutures of the skull बेटा, not only आपके skull में ये दिखती है, in fact आपका teeth और socket के बीच में भी, teeth बिल्कुल socket के साथ में embedded है, that is also बिल्कुल immovable नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि move करती रहती है हर वक्त जैसे चबाते रहते हो, बिल्कुल move नहीं करती है। They are also an example of fixed joints और sin arthrose joints। ठीक, दूसरा आते हैं हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में, जो थोड़ी सी मूव कर सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। देखो डायग्राम बनाते हैं, अगर ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ये दो बोन्स के बीच में इस तरीके से, ये क्या है? दीज आर नॉट फाइबर्स,
These are not fibrous connective tissue. These are what? These are cartilage. What type of cartilage? These are. अच्छा पहले तो सिंपली ऐसे लिखो कि ये जो कार्टिलेज है जिसकी हेल्प से आपने दो बोन्स को आपस में ज्वाइन किया. देखो आपने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ा होगा. हाइलीन कार्टिलेज पढ़ा होगा आपने, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज पढ़ा होगा आपने, फिर आपने पढ़ा होगा इलास्टिक कार्टिलेज, येलो कार्टिलेज है ना. कोलेजन वाली कार्टिलेज को वाइट कार्टिलेज बोलते हैं क्योंकि उसमें कोलेजन होता है और कोलेजन का कलर वाइट होता है. येलो वाले को येलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनका कलर येलो कलर का होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स की कार्टिलेज आपने पढ़ी होगी. हाइलीन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज जिसे इलास्टिक कार्टिलेज भी बोलते हैं. जब आपको दो बोन्स के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज के हेल्प से जॉइन दिखता है, किसकी हेल्प से जॉइन दिखता है? फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से. नॉट डेंस फाइब्रस, नॉट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नॉट विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स. जहां सिर्फ फाइबर्स के हेल्प से आपको दो टिश्यू, दो बोन्स के बीच में जॉइन दिखता है, दैट इज योर फर्स्ट वन, इमूवेबल. लेकिन थोड़ी सी मूवेबल होती है क्योंकि बेटा कार्टिलेज है. और कार्टिलेज देखो, टिप ऑफ योर नोज, दिस इज कार्टिलेज. दिस ईयर पिन्ना, दिस इज कार्टिलेज. फ्लेक्सिबल है ना, तो यहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है क्योंकि दो बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है बेटा फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से कहां कहां आपको दिखता है? सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, सिम्फाइसिस ये कहां दिखता है बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस देखो, याद करो आपकी जो पेल्विक गर्डल होती है, मैंने क्या बताया था, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम याद करो. ये एक हाफ है ना आपके पेल्विक गर्डल का, ये दूसरा हाफ है आपके पेल्विक गर्डल का, जहां एक हाफ में एक कॉक्सल बोन है जो तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी है ना. इलियम इशियम प्यूबिस ऑन वन साइड, इलियम इशियम प्यूबिस ऑन द अदर साइड. ये तीन बोन यहां, तीन बोन यहां. अब देखो सवाल आता है, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने बोला विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट जॉइंट? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स या कार्टिलेजनस जॉइंट्स या फिर एम्फीआर्थ्रोस जॉइंट्स. ये जो होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ठीक है, दो दो साइड के कॉक्सल बोन को जो आपके हिप एरिया में है, दो साइड के कॉक्सल बोन को ज्वाइन तो करता है, बट वेंट्रली ज्वाइन करता है या डॉर्सली ज्वाइन करता है? तो बेटा इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. ये आपका प्यूबिक बोन यहां है और ये प्यूबिक बोन आगे से फ्यूज होता है, ये बीच में कार्टिलेज है. अगर ये एक प्यूबिक बोन है, अगर ये वाली प्यूबिक बोन है और इधर से भी प्यूबिक बोन है, तो ये आपस में जिसके हेल्प से जुड़ी हुई है, ये आपस में जिसके हेल्प से जुड़ी हुई है, ये होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि कौन से साइड में प्रेजेंट है बेटा? वेंट्रल साइड में. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, नॉट ऑन दी डॉर्सल साइड. सो प्यूबिक सिम्फाइसिस विच इज दी प्रेजेंट इन दी पेल्विक गर्डल और दो प्यूबिक बोन आपस में जुड़ी होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, जो कि होती है कार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है, व्हाइट फाइबर्स की बनी होती है. ठीक है, व्हाइट फाइबर्स की बनी होती है. यू कैन ऑल्सो राइट एट द सेम टाइम हियर दैट दीज आर व्हाट? दीज आर द व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, नॉट व्हाइट फाइबर्स. आई एम सो सॉरी, नॉट व्हाइट फाइबर्स, दीज आर व्हाट? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. उसके एग्जाम्पल में भी पढ़ते हो, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के एग्जाम्पल में भी पढ़ते हो. ठीक है, सिर्फ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था तो क्या था? फिक्स्ड. अगर कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो फिर हो जाता है कार्टिलेजनस जॉइंट. नॉट ओनली प्यूबिक सिम्फाइसिस बेटा, इसका दूसरा एग्जाम्पल है यार, हाँ यहीं पे, इसका दूसरा एग्जाम्पल है इंटरवर्टीब्रल डिस्क. क्या है बेटा? इंटरवर्टीब्रल डिस्क. ये इंटरवर्टीब्रल डिस्क क्या है? नाम से समझ में आना चाहिए बेटा, इंटरवर्टीब्रल डिस्क मतलब दो वर्टिब्रीज के बीच में. अब देखो बेंडिंग कर पा रहे हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि दो वर्टिब्रीज के बीच में आपस में जो डिस्क होती है, ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, इनके बीच में जो डिस्क होती है, ये होती है इंटरवर्टीब्रल डिस्क. अगेन अ फाइब्रस कार्टिलेज. व्हाट टाइप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. तो दो इन वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एम्फीआर्थ्रोस जॉइंट्स. बेटा प्लीज एग्जाम्पल्स मत भूलना, ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक एग्जाम्पल, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क. एक और एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है.
एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जहां दो बोन्स आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती है, याद आ रहा है कुछ आपने यहां पढ़ा है रिब केज में, यहां होती है रिब्स और स्टर्नम के बीच में एक ज्वाइंट, रिब्स, और ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है, और तीसरा एग्जाम्पल यहां पे लिख लो, जो तीसरा एग्जाम्पल है बेटा, रिब्स और स्टर्नम आपस में जुड़ी होती है कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, कोस्टल कार्टिलेज की मदद से, जहां पे अटैचमेंट किसके किसके बीच में दिखा, आपके रिब्स और स्टर्नम के बीच में दिखा, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो कोस्टल कार्टिलेज था, दैट कोस्टल कार्टिलेज, एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, सारे रिब्स को क्लासिफाई करने में वो कार्टिलेज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा, तो क्योंकि कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा, तो अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और एम्फी आर्थ्रोस जॉइंट्स। ठीक, अब देखो साइनोवियल जॉइंट्स को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स को हम अलग से पढ़ते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। जो साइनोवियल जॉइंट्स होती हैं, इसमें दिखता है सबसे ज्यादा मूवमेंट। अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो इसमें दिखता है सबसे ज्यादा मूवमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। और दूसरा नाम तो आपने लिखा ही हुआ है, एक नाम तो आपने लिखा ही हुआ है, वो नाम आपने क्या लिखा है, डाई आर्थ्रोस। ठीक है, एक साइनोवियल जॉइंट का ना हम बेसिक डायग्राम बना लेते हैं कि कैसी दिखती है आपकी साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक, बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी मतलब थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। अगर हम ये साइनोवियल जॉइंट्स बनाना चाहें तो ये बना दिया हमने एक हड्डी, ये हमने बना दी दूसरी हड्डी, ठीक, ये हमने बना दी दूसरी हड्डी। अब देखो हड्डियों के बीच में हम बनाना चाहते हैं ये वाला जॉइंट। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि ये दिखता कैसा होता है ना। देखो एट दी दिस इज वन लॉन्ग बोन, दिस इज अनदर लॉन्ग बोन, हम दो लॉन्ग बोन्स के बीच में देख रहे हैं यूजुअली, जहां साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो ये मैंने बनाया एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यहाँ आपको एक कार्टिलेज दिखता है, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स यहाँ आपको एक कार्टिलेज दिखता है, जिसे आर्टिक्युलर कार्टिलेज भी बोलते हैं, जिसे आर्टिक्युलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द बोन्स आपको एक कार्टिलेज दिखता है, तो इस कार्टिलेज का नाम लिख लिया जाए, दिस इज द आर्टिक्युलर कार्टिलेज, आर्टिक्युलर कार्टिलेज, जिसे और क्या बोला जाता है, विच इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, विच इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों बोन्स के बीच में, और तुम्हें याद होगा दो बोन्स आपस में किसके हेल्प से जुड़ी होती हैं, दो बोन्स को लिंक करने वाला जो पार्ट होता है, क्या वो लिगामेंट होता है या वो टेंडन होता है, सो टू कनेक्ट द टू बोन्स व्हाट वी हैव इज द लिगामेंट दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन। तो ये लिगामेंट हो गई जो आपकी दो बोन्स को कनेक्ट करता है। इसके अलावा क्योंकि हम पढ़ी रहे हैं बेटा साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, तो यहां पे आपको दिखेगी एक साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहां पे आपको दिखेगी इस तरीके की एक साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दिस इज दी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यही तो बेटा सिक्रीट करती है एक फ्लूइड। दिस साइनोवियल मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है, यही तो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड का सिक्रीशन करेगी जो सेंटर में फिल्ड रहेगा, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अगर यहां हम बनाना चाहें बेटा, तो ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है जो आपके ये जॉइंट्स के बीच में भरा हुआ है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। किसने बनाया ये साइनोवियल फ्लूइड, ये बनाया साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। क्या काम है साइनोवियल फ्लूइड का, अरे भाई दो बोन्स के बीच में ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे साइनोवियल फ्लूइड के इंपॉर्टेंट काम है, ये लुब्रिकेंट जैसा काम कर रहा है, किसके जैसा, लुब्रिकेंट जैसा काम कर रहा है, ये फ्रिक्शन को नहीं होने दे रहा, सो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये क्या करता है, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके इस साइनोवियल फ्लूइड का, जो कि आपके इन साइनोवियल जॉइंट्स की प्रॉपर्टी है,
जो कि आपके साइनोवियल ज्वाइंट्स की प्रॉपर्टी है, और सिक्रीट किसने किया? साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। और दो बोन्स आपस में तो जुड़ी हुई हैं इस येलो कलर के हेल्प से, येलो कलर के हेल्प से नहीं, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से, जिसे आप बोलते हैं लिगामेंट, जिसे आपने क्या बोल दिया? लिगामेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और ये ब्लू वाला क्या है? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये बेटा डायग्राम है, इसी डायग्राम से तो तुम्हें साइनोवियल जॉइंट समझ में आ गया कि है क्या। तुम्हें फ्लूइड दिखता है और इस तरीके का जब स्ट्रक्चर दिखे तो वो जॉइंट्स बन जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि फर्दर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। फर्दर दिस साइनोवियल जॉइंट्स इज ऑफ वेरियस टाइप्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं? अब देखो इस डायग्राम में ना तुम्हें, मैं जो नेक्स्ट वाला डायग्राम बनाऊंगी उसी में तुम्हें दिख जाएगा कि ये साइनोवियल जॉइंट्स के जो डिफरेंट टाइप्स है, लाइक बॉल एंड सॉकेट। एक हो गया बॉल एंड सॉकेट, दूसरा जॉइंट हो गया हिंज जॉइंट, दूसरा जॉइंट हो गया हिंज जॉइंट, ये डिफरेंट टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट्स बता रही हूं। तीसरा जॉइंट हो गया पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट। चौथा जॉइंट हो गया एंगुलर जॉइंट, या फिर इसे बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, या फिर इसे बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। पांचवा कहां लिखूं? पांचवा जॉइंट हो गया स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग जॉइंट्स, स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और लास्ट जॉइंट हो गया बेटा सिक्स्थ, सैडल जॉइंट। आई एम श्योर तो तुम्हें दिख तो रहा ही होगा, मैंने थोड़ा कंजस्टेड वे में लिख दिया। ठीक है, तो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो ऐसे दिखते हैं वो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट हो गया, जैसे कि हिंज जॉइंट हो गया, जैसे कि पाइवट जॉइंट हो गया, एंगुलर और कॉन्डिलॉइड, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग एंड सैडल जॉइंट। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना रटते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये डायग्राम बना लिया तो इसी से साइनोवियल जॉइंट्स क्लियर हो गए ना, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को पढ़ने के लिए अगर ये डायग्राम का यूज करोगे तो तुम्हें जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चों। रटोगे, देखो प्रैक्टिकल है ना, जो चीज प्रैक्टिकल है उसे क्यों रटना, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है वो तो हम खुद ही बोलते हैं कि भाई एग्जाम्पल से याद ही कर रहे हैं, उसका क्या लॉजिक दो तुम्हें कि ये इसके अंडर में क्यों है या क्या है, वो तो तुम्हें रटना ही है। लेकिन जो चीज लॉजिकल हो उसे लॉजिक तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब देखो खुद ही करके देखना, जैसे मैं करूंगी तुम्हारे साथ साथ में, मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें समझाऊंगी जॉइंट्स, वैसे ही तुम्हें भी करना है अपने हाथों, अपने हाथ को सामने रखना और पढ़ना इसे। ठीक है, ये तुम्हारा हाथ बनाया हुआ है मैंने, ये तुम्हारी टांग बनाई हुई है। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम आप, आपका हाथ और आपकी टांग, जिसका समझना समझ लो, इना मीना गीता, जिसका भी समझना है। ठीक है, तो ये आपका हाथ है, फोर लिम है, जहां देखो सबसे पहले तो समझो पार्ट्स क्या क्या बनाए हुए हैं। ये क्लेविकल बनाया है, कॉलर बोन, ये स्कैप्यूला बनाई हुई है जो यहां होती है ट्रायंगुलर शेप, ये वाला हाथ है ना, और ये आपका कौन सा बोन है बेटा? ह्यूमरस बोन, जो आपकी इस पार्ट में प्रेजेंट है, ह्यूमरस बोन। फिर आपका ये क्या है बेटा? रेडियस, रेडियस जो कि थंब के टुवर्ड्स होता है, दिस बोन विच इज टुवर्ड्स दी थंब, दैट इज रेडियस, जो थोड़ी शॉर्ट होती है, जो लॉन्ग वाली होती है वो होती है अल्ना। तो ये दूसरी वाली क्या बनाई हुई है? अल्ना। और यहां रिस्ट में बनाया हुआ है कार्पल्स, फिर ये पाम वाले एरिया में मेटाकार्पल्स, और फिर ये बनाई हुई है फैलेंजेस। ठीक, इन दी सेम वे बेटा टांगों का भी सेम अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज दी थाई बोन फीमर, जो आपके गर्डल बोन्स के साथ में जुड़ी हुई है ना, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल के साथ में फीमर बोन जुड़ी हुई है, लॉन्गेस्ट बोन, देन यू हैव फिब्यूला, देन यू हैव टीबिया। ठीक है, टीबिया एंड फिब्यूला, देन यू हैव टार्सल्स, देन यू हैव रिमेनिंग बोन्स। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। हियर व्हाट यू हैव इज टार्सल्स, मेटाटार्सल्स इन्होंने दिखाया नहीं है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये तुम्हें पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, काम हमें किस चीज का है बेटा? काम हमें सिर्फ इस डायग्राम को फोकस करो। अगर इस वाले डायग्राम को देखोगे तो यहीं पे सारी साइनोवियल जॉइंट्स का पता लग जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स की, इसमें दिखती है सबसे ज्यादा मूवमेंट। ये शोल्डर जॉइंट देख लो, पूरा घुमा सकते हो, पूरा रोटेट कर सकते हो, या टांग वाला जॉइंट देख लो जो फीमर आपके पेक्टो पेल्विक गर्डल के साथ में जुड़ा हुआ है, इसको भी आप कंप्लीट रोटेट कर सकते हो। देखो मैं खड़ी हूं तो मैं नीचे तो दिखेगा नहीं, तुम खुद रोटेट करके देखो तो ये कंप्लीटली रोटेट करता है। तो आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है और जो आपका ये वाला हिप जॉइंट है, ये कंप्लीट ऑल डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स।
इस तरीके से ज्वाइंट होता है और आपका ये बॉल एंड सॉकेट, और ये कंप्लीटली हर डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहीं पे बेटा लेबलिंग करते हुए ही आप लिख सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर जॉइंट इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाई जाए, दिस पर्टिकुलर जॉइंट जो आपको शोल्डर में यहां या शोल्डर में लिख रहे हो, क्योंकि आप लिख रहे हो किसके बारे में, आप लिख रहे हो ये हाथ में ना, फोर लिम्ब में, इसीलिए, या फिर आप सिंपली यहां पे ऐसे लिख लो कि ये कौन सा जॉइंट है बेटा, बॉल एंड सॉकेट। ठीक, सबसे पहला टाइप का साइनोवियल जॉइंट जहां आपको मूवमेंट दिखती है इन ऑल डायरेक्शंस, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, एग्जाम्पल देखो, साथ में लिखोगे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है बेटा, बॉल एंड सॉकेट का एक एग्जाम्पल हो गया आपका शोल्डर जॉइंट, और दूसरा आपका हो गया हिप जॉइंट, एज सिंपल एज दैट। यहां पे जो फीमर आपकी पेल्विक गर्डल के साथ में अटैच होगी वो भी हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट मैक्सिमम मूवमेंट। इज इट क्लियर? मूवमेंट करके देख लोगे कि मैक्सिमम मूवमेंट हो रही है या नहीं। ठीक, अब देखो दूसरा जॉइंट, ये दिख रहा है आपका एल्बो एरिया में, लेट मी यूज दिस कलर अगेन, ये एल्बो एरिया में दिख रहा है आपको दिस जॉइंट, और यही सेम आपको नी में भी दिखता है। आप देखो, मैं करके बताती हूँ फिर लिखते हैं हम इसको। देखो ये वाला जॉइंट, देखो ये आपका जो एल्बो जॉइंट है, कैसे कर पा रहे हैं हम इसको, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अच्छा, दरवाज़ा देखो, जो पुराने वाले दरवाजे होते हैं, मॉडर्न वाला दरवाज़ा नहीं, मॉडर्न वाला दरवाज़ा तो दोनों डायरेक्शन में खुल सकता है, बट जो पुराने डोर्स होते हैं अगर वो डोर्स को देखोगे तो वो सिर्फ एक ही साइड पे खुलते हैं और फिर बंद करोगे, एक ही साइड में खुलते हैं फिर बंद होते हैं, आप उसको दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। जो डोर होते हैं उसको इमेजिन करके देखो, ये मत बोलना कि मैम मेरे घर में डबल वाला लगा हुआ है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो बेटा एक साइड में खुलता है। ठीक है, अब देखो मेरी हाथ एल्बो को ही देखो, इस एल्बो को मैं सिर्फ ऐसे मूव कर सकती हूँ, कोई ऐसे मूव कर सकता है क्या, उल्टा कर सकते हो, कौन कर सकता है, बोलना मत मैम मैं कर सकता हूँ ऐसा, सर्कस नहीं करना है, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे मूव कर सकती हूँ बेटा, उल्टे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं अपना नी जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, इस नी जॉइंट को भी मैं एक ही डायरेक्शन में पीछे की साइड में मूव कर सकती हूँ ना, बैकवर्ड मूव कर सकती हूँ। ऐसे टांग किसी के ऊपर आ सकती है क्या? कभी नहीं, राइट? तो टांग ऊपर नहीं आ सकती है, ये भी पीछे नहीं जा सकता है, सिर्फ एक दरवाजे जैसा खुल रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ऐसी मूवमेंट को बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन, ये नी वाला एल्बो वाला मूवमेंट इन वन प्लेन जस्ट लाइक अ डोर, तो ये होती है आपकी हिंज जॉइंट। तो यहीं पर लिख लो, मैंने बहुत हाथ को मूव कर करके देख लिया बेटा, नंबर टू यहीं पे लिख लोगे कि ये वाला जो जॉइंट है इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोला? हिंज जॉइंट। कितने डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, जैसे ऊपर वाले तो मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स थी ना, ऑल डायरेक्शन था, यहां हिंज जॉइंट में लिखोगे लाइक अ डोर, और मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट इन वन प्लेन। लेकिन अगेन एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, एग्जाम्पल है आपका एल्बो वाला जॉइंट और नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है। ठीक है, चलो अब देखो तीसरे जॉइंट पे आते हैं, जो रेडियस अल्ना के बीच में भी होता है और आपको यहां पे भी दिखेगा। देखो आपकी ऑसिपिटल कॉन्डाइल है आपके स्कल में, पढ़ा होगा आपने, है ना, ऑसिपिटल कॉन्डाइल का एक जॉइंट बनता है सबसे पहली वर्टिब्री के साथ में, जो आपकी नेक वाली वर्टिब्री होती है, ध्यान से सुनना, इसलिए बोला था कि रिवाइज करके आओगे अगर बोन्स के नाम ना तो ज्यादा आसानी होगी, मैं वापस से बता रही हूँ। आपका स्कल है, खोपड़ी है, स्कल में आपका एक ऑसिपिटल बोन है, ठीक है, सबसे पीछे वाली ये वाली बोन, वहां पे होते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है हमारा स्कल क्या होता है, डाइकोंडाइलिक, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और आप उस गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे, है ना, कर पा रहे हैं ये मूवमेंट, और आप कहीं पे ये वाली मूवमेंट भी करते हैं,
ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है ये वाली मूवमेंट, ये नो मैम वाली मूवमेंट और ये यस मैम वाली मूवमेंट किसके हेल्प से होती है। आज ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। एक जॉइंट आपको दिखता है आपके स्कल की ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच में। एटलस है आपका सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्री, एक्सिस है आपका दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक। एटलस और एक्सिस के बीच में आपको एक जॉइंट दिखता है ये, एटलस और एक्सिस के बीच में आपको एक जॉइंट दिखता है ये। तो एटलस और एक्सिस के बीच में ये जो जॉइंट दिखता है ना, सिर्फ कौन कौन अपनी गर्दन ऐसे घुमा सकता है, ऐसे से घुमा सकते हो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे से तो अपन नहीं घुमा सकते ऑल डायरेक्शन में, हमारी सिर्फ इतनी ही घूम सकती है, मेरी तो इतनी ही घूमती है, तुम्हारी भी इतनी ही घूमती होगी आई एम श्योर, नॉर्मल हो। तो बेटा ये जो एटलस और एक्सिस के बीच में आपको जॉइंट दिखता है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये भी एक ही डायरेक्शन में था। अब डिफरेंस देखो, हिंज जॉइंट जो भी था ये भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, और ये जो एटलस और एक्सिस के बीच में ये भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, जो नो मूवमेंट हम बोल रहे हैं। नो मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट का मतलब है कि नो वाला जो एक्शन होता है वो हम इस जॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं। ये होती है स्लाइटली रोटेटरी, ठीक है, ये रोटेटरी नहीं है, ये सिंपल जॉइंट है। ये वाली जो जॉइंट है वो थोड़ी सी रोटेटरी होती है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा ना एक्सिस के बारे में, जो दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जो दूसरी नेक वाली वर्टिब्री होती है, उसके ऊपर से ना, ये अगर समझो वर्टिब्री है ना, उसके ऊपर से इस तरीके का एक प्रोसेस निकला होता है, ठीक है, जो कि आपकी, देखो ये दूसरी वर्टिब्री है जिसका नाम क्या बताया मैंने, एक्सिस, उसके ऊपर से ये वाला जो निकला हुआ होता है इसे बोलते हैं ओडोन्टॉइड पेग। आई एम श्योर ये सारे नाम आपको, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इसमें घबराना मत, घबराना बिल्कुल मत, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ रोटेटरी कैसे, रोटेटरी कैसे। तो ये आपका एक्सिस हो गया सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, ये आपका ओडोन्टॉइड पेग हो गया, थोड़ा पास आ जाती हूं, ठीक है, ये आपका ओडोन्टॉइड पेग हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। ये ओडोन्टॉइड पेग, ये जो प्रोसेस है ये ऊपर जाता है, और ऊपर कौन सी वर्टिब्री है, सबसे पहली वाली वर्टिब्री एटलस, और एटलस के साथ में ये जो जॉइंट बना रहे, देखो एटलस के साथ में ये जो हम नो कर रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट है, ये इस तरीके का रोटेटरी मूवमेंट है इस पेग के हेल्प से, है ना, ये ओडोन्टॉइड पेग के हेल्प से जो एटलस और एक्सिस के बीच में ये रोटेटरी, स्लाइटली रोटेटरी मूवमेंट बन रहा है, जो कि एक ही डायरेक्शन में है। ये नो मूवमेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन बट स्लाइटली रोटेटरी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट, ठीक। मैंने बहुत टाइम लेके तुम्हें एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ गया होगा। मूवमेंट क्या है, इन वन प्लेन ओनली, बट क्या हिंज जॉइंट जैसा प्लेन है, नहीं, इन स्लाइटली रोटेटरी वे। तो इसकी जब डेफिनेशन लिखते हो, और यहां पे मैंने क्यों बनाया बेटा, रेडियस और अल्ना के बीच में भी ऐसा होता है। अगर हम रेडियस और अल्ना के बीच में देखेंगे ना, जब हम ये कर रहे हैं ना, जब हम हाथ को ये कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तो ये मूवमेंट करने के लिए ना, ये मूवमेंट करने के लिए आपकी रोटेटरी मूवमेंट होती है बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट मूवमेंट हो रही है। ऑफ कोर्स ये पूरा ऐसे ऐसे करके घुमा नहीं सकते हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो बट स्लाइटली रोटेटरी, समझ आया। रेडियस और अल्ना के बीच में भी ऐसे और ऐसे एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो, स्लाइटली रोटेटरी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट। तो ये रेडियस और अल्ना के बीच में मैंने ये बना दिया तीसरा जॉइंट, जिसका कि नाम हो गया पाइवट। तो यहां पाइवट लिख लो, और फिर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे मेरे बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखोगे मूवमेंट कितने प्लेन में, सिर्फ एक प्लेन में, मूवमेंट कितने प्लेन में, मूवमेंट इन वन प्लेन। देखो डायग्राम में ही सब लिख दिया हमने, बट ये क्या स्लाइटली रोटेटरी है, यस, कैसा है, स्लाइटली रोटेटरी, थोड़ा सा रोटेटरी है, हिंज की तरह सिंपल नहीं है, स्लाइटली रोटेटरी है। एग्जांपल्स क्या है बेटा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एटलस, पहली वर्टिब्री और एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में, इन दोनों वर्टिब्रीज के बीच में जो ये नो मूवमेंट करते हो, इसीलिए इसको लिख लो कि इसे नो मूवमेंट कहते हैं। प्लीज बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मूवमेंट नहीं है मेरे बच्चों, ये मूवमेंट होती है बट ये नो एक्शन वाली मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिखा, रेडियस और अल्ना के बीच में,
रेडियस एंड अल्ना. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक है. दिस इज पाइवट जॉइंट. अब चलो नेक्स्ट जॉइंट लिखने की हमें यहां पे जगह नहीं बची, तो हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और वहां लिखेंगे चौथे टाइप का जॉइंट जिसको आपने लिखा हुआ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स. चौथे टाइप का जॉइंट जिसे आपने लिखा हुआ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, या फिर आपने लिखा हुआ है एंगुलर जॉइंट. नाम आपने दोनों लिखे हुए हैं इसके पहले की पहली वाली स्लाइड में, ठीक है. अब देखो इसे क्यों बोलते हैं. अब तक हमने मूवमेंट इन वन प्लेन पढ़ा. हिंज जॉइंट ओपन्स लाइक अ डोर, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट एक मूवमेंट में, बॉल एंड सॉकेट कंप्लीट मूवमेंट, पाइवट जॉइंट वन प्लेन बट स्लाइटली रोटेटरी, एटलस और एक्सिस, रेडियस और अल्ना. देखो इतनी बार रिपीट कर दिया, ठीक. अब बात करते हैं जहां दो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. देखो ये मेरा फेवरेट है, ये समझाना ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ना ये बहुत क्लियरली आपको दिखेगा. देखो मैं अपना हाथ आगे लेके आती हूँ, तुम भी अपने हाथ से कर सकते हो ये वाला, ठीक है. ये आपके फैलेंजेस हैं, ये आपके फैलेंजेस हैं, है ना. और ये फैलेंजेस और ये क्या है, ये आपके मेटाकार्पल्स हैं, है ना. फैलेंजेस और मेटाकार्पल्स के बीच में देखो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकती हूँ मैं, तुम भी कर सकते हो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो. तुम्हें दिख रहा है, पता नहीं जूम है कि नहीं. ऐसे ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, मूवमेंट इन टू प्लेन्स. जहां आपको इस तरीके की मूवमेंट दिखती है दो प्लेन्स में मूवमेंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस. और टांगों में कहां होगी मेरे बच्चों, टांगों में कहां होगी, बिटवीन मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस. तो इन मूवमेंट को बोलते हैं एंगुलर जॉइंट या कॉर्डिलॉइड जॉइंट, जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है. सबसे पहली बात तो यहां पर क्या हो रहा है, मूवमेंट मूवमेंट इन टू प्लेन्स. कितने प्लेन्स में मूवमेंट है, दो प्लेन्स में मूवमेंट है. और एक एग्जाम्पल तो बड़ा आसान सा मैंने तुम्हें बता दिया कि जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस. और सिर्फ यही नहीं ना बेटा, सिर्फ यही नहीं, आपके मेटाटार्सल्स, आपके मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस के बीच में भी टांगों में, है ना. अब देखो एक और जगह होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट. पहले तो मैं आपसे करने के लिए बोलूंगी एक्शन, कि आप एक्शन करके देखो कि आपकी दो डायरेक्शन में मूवमेंट होती है कि नहीं. अगर आप देखोगे आपका स्कल वाला जो मैं अभी बता रही थी, वापस से देखो, अगर आप स्कल वाला देखोगे, स्कल में क्या था, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और वो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपके फर्स्ट वर्टिब्री के साथ में जुड़ी हुई है. आपका जो स्कल है, तुम्हें पता है एटलस को एटलस क्यों बोलते हैं, एक ज्ञान के बाद बताती हूँ. तुम्हें पता है एटलस फर्स्ट जो वर्टिब्री, उसे एटलस क्यों बोलते हैं, बताना जरा. कौन आंसर दे सकता है इसका, एटलस को एटलस क्यों बोला? दो मिनट का मौन, मौन तो क्लास में तो मौन ही हो जाता ना. अगर मैं क्लास में पूछ रही थी तो दो मिनट की शांति हो जाती क्लास में. सोचो जरा आंसर दूं. एटलस का मतलब क्या होता है, मैप पढ़ते हो, एटलस का मतलब मैप पढ़ते हो, मैप मतलब ग्लोब. सर कैसा है तुम्हारा ग्लोब जैसा, उस पूरे ग्लोब को किसने उठाया हुआ है, पहली नेक वाली वर्टिब्री, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री ने, उस नेक वाली वर्टिब्री ने पूरे ग्लोब को तुम्हारे उठाया हुआ सर को, इसीलिए उसको एटलस बोलते हैं. तो एटलस विच इज योर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, वो आपकी ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ में क्या ज्वाइंट बनाता है, उसे बोलते हैं एटलांटो. एटलांटो क्यों, एटलांटो और ऑसिपिटल क्योंकि किसके साथ में जॉइंट है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ में, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट्स, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट. ये भी मूवमेंट इन टू प्लेन्स है. अब मुझे बता दो कि ये दो मूवमेंट कैसी है. एक तो ये वाली है, सब बता सकते हैं, यस मैम, यस मैम वाली जो मूवमेंट होती है वो तो होती है एटलांटो ऑसिपिटल. नो वाली नहीं है, दूसरा मत बोलना मैम, ये वाली जॉइंट, ये वाली तो पाइवट जॉइंट थी एटलस और एक्सिस के बीच में, ये वाली जॉइंट तो नहीं है. मुझे दो प्लेन में मूवमेंट बताओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, ये मैंने बताया ना दो डायरेक्शन में, राइट. वैसे मुझे यहाँ पे बताओ कि कैसे दो डायरेक्शन में मूवमेंट है, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो. एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट में दो डायरेक्शन में मूवमेंट, एक तो यस वाली है, यस मूवमेंट, दूसरी बताओ, दूसरी बताऊँ, दूसरी ये वाली है, सेकेंड मूवमेंट इज दिस. कभी सोचा था ऐसे? सो दिस इज द मूवमेंट इन टू प्लेन्स, वन इज दिस, वन इज दिस, यस. सो यू हैव एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जहां पे यस वाली मूवमेंट भी दिखती है, यस मूवमेंट, है ना. और दूसरी वाली मूवमेंट भी मैंने तुम्हें बता दिया बेटा, जो ये वाली मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है, ठीक है,
ये वाली मूवमेंट लगेगा मैम डांस कर रही है. तो ये हो गया आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट विच इज मूवमेंट इन टू प्लेन्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जॉइंट, फिफ्थ टाइप ऑफ जॉइंट. अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट कौन सा है, सिंपलेस्ट, जहां सबसे कम मूवमेंट दिखती है, तो वो होती है स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. ये सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट्स हैं. ये सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट है जिसमें सिर्फ बेटा बोन्स आपस में स्लाइड कर रही होती है जब मूवमेंट होती है. बोन्स ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर, जैसे कि कार्पल्स. जब भी कोई मूवमेंट कर रहे हैं ना हम हाथों की, तो कार्पल्स आपस में स्लाइड करती है, या टांगों की मूवमेंट करती हैं करते हैं तो टार्सल्स आपस में स्लाइड करती है. सिंपल स्लाइडिंग. सो यू कैन सिंपली राइट द एग्जाम्पल कि बिटवीन कार्पल्स आपस में स्लाइडिंग हो रही है, एंड बिटवीन टार्सल्स आपस में स्लाइडिंग हो रही है. ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अगेन क्वेश्चन प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट. और मैं बताती हूं यहां तुम गलती कहां करते हो, विच इज सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट, अब यहां गलती कहां करते हो मेरे बच्चों. सैडल जॉइंट को हम बोलते हैं सबसे पॉपुलरली, तो पहली बात तो इसे बोला जाता है पुअर बॉल एंड सॉकेट. इसे बोलते हैं पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट क्या था, मूवमेंट इन ऑल प्लेन. इसमें भी ऐसा फील हो रहा होता है कि मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स है, बट होता नहीं है. एक ही जगह पर, अब देखो यहाँ, यही आपको पढ़ना है जो एनसीईआरटी वाला है. थंब देखो, ऑल द बेस्ट वाला थंब. ठीक है, अब इस थंब को देखो, रोटेट कर पा रहे हो तुम. ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैम ये तो पूरे डायरेक्शन में घूम रहा है, मैम ये तो ऑल डायरेक्शन में घूम रहा है. अरे नहीं यार, धीरे धीरे रोटेट करो और फील करो. देखो कर नहीं पाओगे प्रॉपरली, ऐसा लगता है कोई हिंड्रेंस आ रही है. फील हो रहा है, देखो कितना प्रैक्टिकल है बेटा, है ना, कितना प्रैक्टिकल है. तो ऐसा लग रहा है कि ऑल डायरेक्शन में है, पर है नहीं, है ना, है नहीं. तो ऐसा मूवमेंट होता है पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो सैडल जॉइंट आपको दिखती है थंब में. लेकिन सवाल जब आता है तो मिस्टेक करते हो कि ये थंब में दिखती कहाँ है भाई. इज इट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स और दिस वन, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, किसके बीच में है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो जॉइंट हो रहा है ना, ये हो रहा है आपके फैलेंजेस और आपके मेटाकार्पल्स के बीच में. नो, नॉट एट ऑल. अगर देखोगे ध्यान से ना, नीचे से मूवमेंट हो रही है, खुद फील करोगे तो नीचे की मूवमेंट हो रही है. इट्स नॉट एट ऑल बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस बेटा ऑफ द थंब. नो, सवाल आता है ऐसा, मिस्टेक मत करना. थंब में किसके किसके बीच में बेटा, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना. ठीक है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब. सो दिस कंप्लीट्स योर बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा. फिक्स जॉइंट्स वो थे जो बिल्कुल मूव नहीं करते हैं. इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो वाइट फाइबर्स के हेल्प से दो बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के हेल्प से, जैसे कि सूचर्स ऑफ द स्कल. स्कल में जो जॉइंट्स दिखते हैं वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स. जो स्लाइटली मूव कर सकते होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोस जॉइंट, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और जैसे कि इंटरकोस्टल कार्टिलेज जो आपका जोड़ता है रिब्स को विद द स्टर्नम. ठीक है, फिर आते हैं आपके सबसे ज्यादा मूवमेंट जहां होती है साइनोवियल जॉइंट, जहां साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है दो बोन्स के बीच में, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है. फिर आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी दिखता है, पूरा जॉइंट्स आपने बनाया, जहां मैक्सिमम मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट, मूवमेंट इन वन प्लेन, ओपन्स लाइक अ डोर, हिंज जॉइंट, मूवमेंट इन वन प्लेन बट लाइक अ स्लाइटली रोटेटरी, पाइवट जॉइंट, ओनली जॉइंट हैविंग मूवमेंट इन टू प्लेन्स, एंगुलर जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंड यू हैव पुअर बॉल एंड सॉकेट, सैडल, एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग. रफ्फाटेदार तरीके से मैंने बोला, आप भी इसी तरीके से पढ़ना विद एग्जांपल्स. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेटा द डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड विद दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया हुआ है, दो एक एक ही महिला बनाई हुई है. ये वाली महिला को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली महिला को दिक्कत है. किस कौन सी दिक्कत है बेटा, माइस्थीनिया ग्रेविस की. सबसे पहली बात तो हम एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स करेंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में एनसीईआरटी क्या कहती है.
ठीक है. सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मायस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या है मेरे बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? किसको पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं. देखो बेटा, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली आपकी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में, पैथोजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें अटैक करती हैं ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे. आप ऐसा तो कभी नहीं करोगे ना कि आप अपने सेल्फ बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाओ. ऐसा यूजुअली नहीं होता. आपको बहुत अच्छे से पता है, बॉडी को बहुत अच्छे से पता है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स. ये बात समझ में आ रही है? आप अपने खुद के बॉडी सेल्स को अटैक नहीं करते हो यूजुअली. जब आप सफर कर रहे हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आपके बॉडी को समझ ही नहीं आता है कि भाई अपना कौन और पराया कौन. जीवन में भी ऐसा होता है, अपना कौन पराया कौन पता ही नहीं है. अपने लोगों पे ही बरसते हो. तुम लोग बच्चे मेरे प्यारे अपने ही माँ बाप पे बरसने लगते हो कि क्यों पूछा मेरे से, नंबर क्यों कम आए, क्यों पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. अरे भाई, माँ बाप ही तो पूछेंगे, उन्हीं पे तुम बरसने लग जाओ. टीचर्स क्यों, टीचर्स बहुत गंदी है, मैम ने क्यों पूछ लिया, मैम मुझे डांटती है, मैम क्यों पढ़ने के लिए बोलती है, मम्मी पापा क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं. अरे यार, अपनों को पहचानो और परायों को पहचानो, बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है बेटा, चलो ये वाली ज्ञान की बातें नहीं करते. जब आपकी बॉडी में भी ये ज्ञान लॉस्ट हो जाता है ना, जब वो अपनी खुद की सेल्फ सेल्स को अटैक करने लग जाती हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, खुद की ही सेल्फ सेल्स को अटैक करते हो आप. बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स. अब होता क्या है, देखो यहां मायस्थीनिया ग्रेविस में हो क्या रहा है. ऐसे इसको ब्लैंक स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है. ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये एक और ऐसा, आपने पढ़ा होगा ना बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां ये एक मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जहां आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, ये मसल वाली मेम्ब्रेन है, और यहाँ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, साइनाप्टिक नॉब है, और यहाँ साइनाप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है. और इन साइनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है मेरे बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर. और जैसे ही, और तो ये न्यूरॉन और बेटा मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. पढ़ाई होगा तुमने, राइट. और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में यहां से जैसे ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके आती है, तो ये वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा? फ्यूज हो जाते हैं. पढ़ा होगा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये वेसिकल्स क्या होते हैं? इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं. कहां पे रिलीज करते हैं? यहां पे रिलीज करते हैं, ठीक. अब यहां पे रिलीज करते हैं, तो ये इनका काम क्या होता है? ये जो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे हैं, जो कि रिलीज होते हैं जैसे ही इंपल्स आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड कहां जाके करते हैं बेटा? बाइंड करते हैं अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ में, ठीक है. यूजुअली मसल के केस में ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइल कोलीन. ये भी पढ़ा है आपने, यूजुअली क्या होता है? एसिटाइल कोलीन. तो ये एसिटाइल कोलीन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा कि नहीं? देखो, तुम्हें ये याद आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें ये इसीलिए पहले मसल वाला पार्ट रिवाइज करना चाहिए. ये क्या है? रिसेप्टर. ये क्या है? रिसेप्टर. तो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड करता है, और ये मसल में आपकी क्या, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है. तो मसल को इन्फॉर्मेशन जिसने दिया है वो है आपका वो न्यूरॉन, है ना. न्यूरॉन से जो रिलीज हुए न्यूरोट्रांसमीटर, जब तक वो आपके मसल्स के रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं करेंगे, तब तक आपके मसल को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी. अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं? बॉडी में आप सेल्फ सेल्स को अटैक करने लगते हो, और आप किसको डैमेज करते हो? मायस्थीनिया ग्रेविस में जो डैमेज होता है वो डैमेज दिखता है किसमें? आप खुद ही डैमेज करने लग जाते हो, आप खुद ही एंटीबॉडीज बनाते हो. अगेंस्ट व्हाट बेटा? अगेंस्ट योर
एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स. आपने किसको डैमेज कर दिया बेटा? एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स को डैमेज कर दिया आपने. ऐसे एंटीबॉडीज बना दी इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो एंटीबॉडीज जाके किसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं? डिस्ट्रॉय कर रही हैं आपकी एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स को. अब तुम खुद ही सोचो, अगर बॉडी में ऐसे सेल्स बनने लग गए जो जाके बेटा अटैक करने लग जाएंगे आपके रिसेप्टर्स को, अगर रिसेप्टर्स रहेंगे ही नहीं तो भाई आपके न्यूरोट्रांसमीटर किससे जाके बाइंड करेंगे? यानी कि अगर इस तरीके से माइस्थीनिया ग्रेविस से इंसान सफर करता है तो डैमेज कहाँ हुआ ये याद रखना है. यू स्टार्ट अटैकिंग योर एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स एंड व्हेन यू स्टार्ट अटैकिंग योर एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स व्हाट विल हैपन? नो बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलीन. कोई बाइंडिंग नहीं होगी एसिटाइल कोलीन की. और जब एसिटाइल कोलीन की कोई बाइंडिंग ही नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा. बात समझ आ रही है? मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा. और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो भाई धीरे धीरे क्या कंडीशन आने लग जाएगी? पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी. मसल सारे क्या होने लग जाएंगे? वीक. मैं वापस से जिस्ट बताती हूँ. क्या वो माइसिनिया ग्रेविस में सबसे पहला सवाल बनता है कि इज इट अ जेनेटिक डिसऑर्डर और एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? बिकॉज एनसीईआरटी हैज गिवन दैट इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेर यू स्टार्ट अटैकिंग योर ओन बॉडी सेल्स. एंड वेन यू स्टार्ट अटैकिंग योर ओन बॉडी सेल्स वॉट यू आर एक्चुअली अटैकिंग इन द माइसिनिया ग्रेविस? वेन यू अटैक योर ओन बॉडी सेल्स हियर यू डैमेज योर एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स. एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है भाई? एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उस मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर जिसको की इंफॉर्मेशन रिसीव करना था इस न्यूरॉन से. भाई न्यूरॉन के साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर से जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं उस जंक्शन में तो वो मसल को इंफॉर्मेशन देते हैं By binding with the receptors. अगर receptors ही damage कर दिए आपने तो neurotransmitter किससे bind करेगा? और जब neurotransmitter bind ही नहीं करेगा तो impulse transfer नहीं होगी, तो muscles धीरे धीरे weak हो जाएंगे और paralysis की condition आ जाएगी. This is myasthenia gravis. ठीक है, चलो अब हम next पढ़ते हैं जिससे सबसे पहला सवाल बनता है. ये देखो muscular dystrophy. एट्रोफिड मसल्स, मसल की डेथ होने लग जाती है विद टाइम. और ये एक नॉर्मल मसल्स दिखाया हुआ है आपको, या आपको एक मसल दिखाया हुआ है जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉफी होने लगती है. सबसे पहला सवाल बनता है कि ये क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? नो बेटा, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. क्या है ये? एक जेनेटिक डिसऑर्डर. यहां पे सबसे पहली गलती मत करना. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या था? माइस्थीनिया ग्रेविस. दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. अभी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो क्या होने लगता है बेटा? नाम से डिस्ट्रॉफी दिख रहा है तुम्हें, यहां पे एक प्रोटीन नहीं बनती जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन. क्या नहीं बनता बेटा? डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनता. ये जेनेटिकली क्योंकि नहीं बन रहा है तो इसीलिए इस डिसऑर्डर को क्या बोला? मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. लेकिन ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन क्योंकि नहीं बनता तो इसका काम क्या है बेटा? ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का पहली बात तो फंक्शन होता है कि दिस प्रोटीन जॉइंस थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन की बनी है उसको लिंक करती है सार्कोलेमा के साथ में. किसके साथ में? सार्कोलेमा के साथ में. एक डायग्राम बना के देखोगे कैसे? देखो, ये आपने पढ़ा होगा ना मसल फाइबर्स, फिर उसके अंदर में आपने पढ़ी होंगी मायोफाइब्रिल्स, इस तरीके का डायग्राम पढ़ा होगा, है ना? फिर यहाँ पे आपको ऐसे बैंड दिखती हैं, है ना? तो ये जो आप पढ़ते हो ना मसल में, या आप पढ़ते हो ना मसल में, मैंने आपको बोला. और देखो थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स, जो भी पढ़ते हो आप, एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है. आपने वो वाला डायग्राम पढ़ा होगा बेटा जहां आपने सार्कोमियर का डायग्राम देखा है, ठीक है?
देखो रिकॉल करो उस डायग्राम को, अगर रिकॉल नहीं है तो एक बार उसे पढ़ो और फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा होगा कि दिस इज थिक मायोफिलामेंट, दिस इज थिक मायोफिलामेंट, दिस इज थिक मायोफिलामेंट, है ना, मैंने दोनों अनइक्वल साइज के बना दिए, दिस इज थिक मायोफिलामेंट। और यहाँ पे आपको क्या दिखता है बेटा, यहाँ आपको थिन मायोफिलामेंट दिखती हैं इस तरीके से, दिस इज थिन मायोफिलामेंट, है ना, इस तरीके से थिन मायोफिलामेंट दोनों साइड में, ज़्यादा बना नहीं रही हूँ। और बाहर में आपको दिखता है सार्कोलेमा, जो कि अंदर की तरफ फोल्डेड होती हैं, जिन्हें बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, आपने आई एम प्रिटी श्योर ये पढ़ा होगा, इस तरीके से सार्कोलेमा, और ये फोल्डेड होती है ना इस तरीके से, टी ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, दिस इज वॉट, दिस इज सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये सार्कोलेमा के साथ में थिन फिलामेंट्स को ज्वाइन करने वाली एक प्रोटीन होती है, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये वाली प्रोटीन क्या है, ये वाली प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, विच हेल्प्स इन लिंकिंग दिस थिन फिलामेंट विद द सार्कोलेमा। अब देखो पहली बात, अगर ये डायग्राम तुम्हें नहीं पता है तो इसे पहले पढ़ के आओगे, एनसीईआरटी में गिवन है, मसल्स में भी पढ़ा है, दीज टू लाइंस आर जेड लाइंस, देन यू हैव थिन फिलामेंट्स, देन यू हैव थिक फिलामेंट्स, कहीं कहीं पे ए बैंड पड़ा होगा, ओ बैंड पड़ा होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कौन सी बैंड शॉर्ट हो जाती है, कौन सी बैंड सेम रहती है, सब पड़ा होगा। मेरा डायग्राम बनाने का पर्पज़ यहाँ पे तुम्हें सुंदरता दिखाना नहीं है, मैं कितने अच्छे से डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, मेरे डायग्राम बनाने का पर्पज़ ये है कि तुम्हें ये समझाऊँ कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम होता है थिन फिलामेंट्स को ज्वाइन करना विद दी सार्कोलेमा, ठीक। अब इसका काम क्या है बेटा, इसका काम होता है सारा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो टेंशन, जितना भी स्ट्रेस होता है उसको मसल में से रिलीज कर देना वाया सार्कोलेमा, ठीक है। तो वो कनेक्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आपकी सार्कोलेमा को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, अरे भाई जुड़ी हुई है ना मसल के साथ में, तो मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर आपकी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी ही नहीं तो भाई मसल को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, और ऐसी मसल्स धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा, ऐसे मसल्स की धीरे धीरे डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई मसल्स का जो स्ट्रेंथ देने वाला प्रोटीन था डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वो बना ही नहीं, और जेनेटिकली क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, धीरे धीरे सारी प्रोटीन्स क्या, सारी मसल्स क्या हो जाती है बेटा, डिग्रेड होने लगती है, बिकॉज जो उसको सपोर्ट दे रहा था, जो उसको स्ट्रेंथ दे रहा था, वो वाली प्रोटीन तो आपके पास है ही नहीं। सवाल सीधे आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सो सिंपली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म, सिंपली यू कैन राइट डाउन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज Not formed. Is it clear to all of you? ये समझ आया बेटा सबको, ठीक है, चलो let's move to the next one. Arthritis. ये दिख रहे हैं तुम्हें joints में, मैंने दिखाया है ये synovial joint दिख रहा है, यहाँ पे भी synovial joint दिख रहा है, यहाँ जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ठीक है। Arthritis. बहुत ध्यान से सुनना, different different types के arthritis होते हैं, ठीक है। Arthritis is of different different types. हम एक blank slide लेते हैं और हम देखते हैं कि आर्थराइटिस के क्या क्या कैटेगरीज हैं। आर्थराइटिस का बेसिक मतलब क्या होता है, आर्थराइटिस टर्म किससे आया है, आर्थराइटिस टर्म आया है आर्थरोज, आर्थरोज मतलब जॉइंट्स, पढ़ा ना अभी सिन आर्थरोज, एम्फी आर्थरोज, डाई आर्थरोज, आर्थरोज का मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लेमेशन, क्या मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो आर्थराइटिस का सिंपल मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन इन दी जॉइंट्स, आर्थराइटिस का सिंपल मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। लेकिन ये आर्थराइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आर्थराइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि आर्थराइटिस का जो टाइप है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो है ऑस्टियो
ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज रिलेटेड तो होता ही है, और यहाँ क्या होता है, विद एज आपकी बोन्स के एंड में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाया था हमने, एक हाइलिन कार्टिलेज बनाया था हमने, तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज में होने लगती है इन्फ्लेमेशन। तो ऐसी इन्फ्लेमेशन जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में हो रही है, जो बोन्स के एंड में प्रेजेंट है, जो लॉन्ग बोन्स के एंड में प्रेजेंट है, अगर उसमें डैमेज हो गया तो उस आर्थराइटिस को बोला ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो इन्फ्लेमेशन इज सीन वेयर मेरे बच्चों, इन्फ्लेमेशन इज सीन इन दी आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहाँ, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहाँ, मैं एक बार आपको वही वाला डायग्राम वापस से दिखाती हूँ। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज एट दी एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। देखो दिखाती हूँ तुम्हें मैं वो वाला डायग्राम। हाय जल्दी आ जा, ये वाला डायग्राम देखो, एक्साइटेड हो गई मैं बिल्कुल। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रही है, ये ब्लू वाली, अगर इस ब्लू वाली मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखो यहीं पे तो मैं दिखा देती हूँ, अगर पिंक वाली मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया, पिंक वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये वाली आर्थराइटिस होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज जो कि है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है ना। अगर आपने बोला कि आपकी इन्फ्लेमेशन दिख रही है आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन में, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दूसरा क्या बताया मैंने बेटा, दूसरा बताया रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस ही, लेकिन ऐसा आर्थराइटिस जिसमें क्या डैमेज हो रही है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या इन्फ्लेमेशन हो रही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और अभी आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज में होता ही क्या है, आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, IgM टाइप की यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। आई एम नॉट श्योर कि तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में तुम्हें आइडिया है या नहीं, वहाँ पे पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, और किसको डैमेज कर रही हैं वो एंटीबॉडीज, साइनोवियल मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेशन कर रही हैं। और बेटा क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो किसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उस चीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली इंक्रीज करने लगता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस करती है, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुआ तो साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट हो गया बहुत ज़्यादा। और देखो ऐसा मत सोचो फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो मैम बहुत अच्छा है ना, मैम ये तो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा था, ये तो नरिशमेंट दे रहा था, ये तो फ्रिक्शन को बचा रहा था। अरे भाई अगर साइनोवियल फ्लूइड इतना ज़्यादा हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करेगा ये जॉइंट्स पे। क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा जॉइंट्स पे। प्रेशर कहाँ एग्जर्ट कर रहा है, जॉइंट्स पे। तो जॉइंट्स में क्या होने लगेगा बेटा, पेन। जॉइंट्स में क्या होने लगेगा बेटा, पेन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हुआ, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो गई। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हुआ, साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, फ्लूइड इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया, पैरों में घुटनों में दर्द होने लग गया। और जो तीसरे टाइप का आर्थराइटिस है, वो तीसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है गाउट। वेरी इजी, देखो गाउट तीसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है गाउट, जिसमें की इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन दी जॉइंट्स। किसका एक्यूमुलेशन हो गया, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जॉइंट्स में। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग गए,
तो ऐसे टाइप के इंफ्लेमेशन को बोलेंगे, ऐसे पेन को बोलेंगे हम गाउट। बात समझ में आ गई बेटा? तो गाउट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। Osteoarthritis is due to the inflammation in the articular cartilage at the end of long bones, hyaline cartilage. And rheumatoid arthritis is because of the damage of synovial membrane. एक और चीज मैं आपको rheumatoid arthritis में बताती हूँ। यहाँ पे ना बेटा, आपके joints के में, synovial joints में, यहाँ पे एक abnormal granules भी बनने लगते हैं, जो भी जो कि pain cause करते हैं। उन granules को बोलते हैं pannus. पैनस का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसकी वजह से पेन होता है। ठीक है, तो देखो अब तुम ये मत बोलना कि मैम आपने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी है यार, डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में भी लिखी है ना। तो मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिखा करो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, क्या इन्फ्लेमेशन हुई? साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या इंक्रीज होने लग गया? साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड ये एरोस का मतलब बढ़ने लग गया, ये बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जॉइंट्स में पेन होगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस तरीके से लिखने में, है ना? मुझे बता जरूर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरीके से फ्लो चार्ट में करोगे तो बहुत आसान लगेगा। तो हमने कर लिया, देखो कितनी आसानी से, तीन टाइप की आर्थराइटिस, जॉइंट पेन। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक वी डोंट हैव मच, ओ माय गॉड, बस लास्ट दो बचे हुए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब क्या? बोन, और पोरो का मतलब क्या? पोर्स। पोरीफेरा, सबसे बेचारा फाइलम, इतने सारे पोर्स थे उसकी बॉडी में। अगर हम देखेंगे एक हेल्दी बोन को तो वो ऐसी दिख रही है, और देखो बेटा ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में कैसी दिख रही है बेटा बोन? पोर, छिद्र दिख रहे हैं। इतनी सारी छेद क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बोन्स का जो स्ट्रेंथ था कैल्शियम की बनी हुई थी, वो कैल्शियम धीरे धीरे रिमूव होने लग जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में क्या दिखने लग जाते हैं? पोर्स। जिसकी वजह से बोन्स में क्या दिखने लग जाते हैं? छेद। ये पोर्स दिखते क्यों हैं आखिर, होता क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण बेटा, एक तो फीमेल्स में ना ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली दिखता है, इसका कारण मैं बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल भी दिख सकता है। ओवरऑल क्यों दिख सकता है? अगर आपकी विटामिन डी की कमी हो आपके पास, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों बेटा? विटामिन डी की फिर आती है ना, इतने सारे एड्स आते हैं हॉर्लिक्स का, और इसका, ये हॉर्लिक्स पीने से आपके बॉडी में बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना, इसमें ये ज़्यादा है, सनलाइट से विटामिन डी ले लो, फलाना फलाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाती है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना, तो बोन्स में कैल्शियम जाएगा कैसे? और बेटा आपने दो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, कैल्सीटोनिन एंड पढ़ा होगा पैराथॉर्मोन, इन में होता है होमियोस्टेसिस। ठीक है, अगेन बेटा देखो चैप्टर्स कितने रिलेटेड हैं। अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है, जो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। कहाँ बढ़ाता है? ब्लड में। कहाँ बढ़ाता है? ब्लड में। गलती से भी मत बोलना बोन्स में। ब्लड में बढ़ाता है, कहाँ से लेके आता है भाई? बोन से लेके जाता है, बोन से लेके आता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देता है। और कैल्सीटोनिन जो कि थायराइड का हार्मोन है, ये एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है, यानी ये बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है और ब्लड से कैल्शियम को कम करता है। लेकिन पैराथॉर्मोन विच इज इंक्रीजिंग द ब्लड कैल्शियम and calcitonin which is decreasing the blood calcium, both are working together and they regulate, they maintain the homeostasis. Calcium ka amount balance out karti hai, lekin agar in dono hormone ka imbalance ho jaye aur properly kaam na kare, तो भी बेटा सोचो, अगर पैराथॉर्मोन ही ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लग जाए, तो पैराथॉर्मोन तो बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के डिपॉजिट करवा देगी। तो इम्बैलेंस इन दी हॉर्मोन्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल्स में क्यों बोलते हैं? बहुत ज्यादा कॉमनली दिखता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स में ऐसे पोर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद
एक सर्टेन एज के बाद, इसलिए फीमेल्स को हमेशा कैल्शियम का इंटेक करते रहना चाहिए, कैल्शियम का लेवल हमेशा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में बेटा मेनोपॉज के बाद बेटा क्या होता है, ईस्ट्रोजन का अमाउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। अगर ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है, अगर इस ईस्ट्रोजन का अमाउंट बेटा कम हो जाएगा, इस ईस्ट्रोजन का अमाउंट अगर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। पूछो क्यों, इसकी वजह से कैसे हो सकता है बोन में छेद या कैल्शियम लेवल कैसे कम हो सकता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का काम होता है बेटा बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन करके रखना बोन्स में। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि बहुत कॉमनली फीमेल सफ़र करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, बोन्स वीक होने लग जाती है, बहुत वीक हो जाएगी। ऑफकोर्स ही बात है ना बेटा, अगर बोन में छेद होते जा रहे हैं तो ये वाली बोन कैसी हो जाएगी, ये वाली बहुत ही वीक बोन हो जाएगी। और फीमेल्स में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद, जो कि बोन्स में कैल्शियम को मेंटेन कर रहा था। तो मेनली हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस, नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस। टर्म्स हमेशा बेटा वर्ड्स से समझा करो, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। और लास्ट आ जाते हैं हम हमारे बहुत ही छोटे से डिसऑर्डर में, जिसे कहते हैं टिटैनी। ठीक है, इसे समझते हैं, देखो इसे समझते हैं बड़े प्यार से। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि टिटैनी का मतलब क्या है। आखिर टिटैनी का मतलब होता है जब आपके बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा या कम। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि कैल्शियम का अमाउंट जब बहुत कम हो जाता है, लो कैल्शियम, कहां, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। कहां कम हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ECF में। और क्या दिखता है आपको, स्पैज्म। क्या दिखते हैं, मसल स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस। इसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस या सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस से भी करेक्ट वर्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो हुआ क्यों, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि भाई कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी मसल्स में अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस दिख रही है तो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस के लिए आपने बोला टिटैनी, स्पैज्म। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब स्पैज्म। अब देखो तुम कंटिन्यूसली अपने मसल से काम करवा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो, ठीक है। एक जैसे कि तुम्हें टास्क दिया भागने का, तो तुम भागे जा रहे हो, कैल्शियम यूज करोगे मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि मसल्स में बेटा कैल्शियम यूज होता है जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड है। पढ़ा होगा कि कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन इमेजिन करो अगर बेटा तुम भागते ही रहे, नॉन स्टॉप रुके ही नहीं, अरे भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी ECF में, और आपका मसल देखो कॉन्ट्रैक्शन करते गए मसल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया तुमने, मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया। अगर बेटा दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में टाइम ही नहीं दोगे रिलैक्स करने का, तो मसल्स कैसी रह जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या नहीं दिया मसल्स को, आपने मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं दिया आपने, तो नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं दोगे तो मसल क्या हो जाएंगी, स्पैज्म स्टेट में चली जाएंगी, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली जाएंगी। और सवाल कैसे आता है बेटा, पूछते हैं आपसे कि इज इट बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम और लो कैल्शियम। लो कैल्शियम डेफिनेटली, बिकॉज यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स कंटिन्यूअसली एंड यू डिड नॉट गिव एनी रेस्ट, you did not allow your muscles to be in the relaxed state, so the muscles are now in a sustained state of contraction. ठीक है, आपके सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं बेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो वापस एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस, इट वाज मायस्थीनिया ग्रेविस, और एक आपने पढ़ा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर। मायस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अटैकिंग acetylcholine receptors. Muscular dystrophy, genetic problem where dystrophin protein is not formed.
acetylcholine receptors used to bind with acetylcholine so that muscles can contract. This trophin protein connects sarcolemma with the thin filaments ताकि एक स्ट्रेंथ मिले आपके मसल्स को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे मायस्थीनिया ग्रेविस में जब आप एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर दोगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि रिसेप्टर्स है ही नहीं, और धीरे धीरे मसल्स वीक होती जाएंगी, पैरालिसिस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा अगर स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी मसल्स की तो भाई टेंशन को रिलीज करने वाला कोई नहीं होगा और मसल्स की धीरे धीरे डेथ होने लग जाएगी इन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी मीन्स डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बनता। आर्थराइटिस में अगर हाइलिन कार्टिलेज डैमेज हुई, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हुई तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हुआ तो गाउट, और अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन इंफ्लेमेशन होने लग गई, पैनस का फॉर्मेशन होने लग गया, एब्नॉर्मल ग्रैन्यूल्स बनने लग गई तो हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच इज अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैं अभी इसीलिए फास्ट फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ये बेटा रिवीजन है, मैंने बहुत करोड़ों बार तुम्हें बता दिया है, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने ये तुम्हारे टच में नहीं था तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया लास्ट में भी, ठीक है। एंड आई एम श्योर ऑस्टियोपोरोसिस और टिटैनी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर की समाप्ति यहीं होती है बेटा, धन्यवाद सबको, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के आना, कोई डाउट्स हो तो जरूर बताना। Till then everyone, keep smiling, keep rocking. We are going to be back soon with the next lecture. Thank you all of you. Bye bye. पढ़ाई करते रहें, all the very best.